भारत में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति दिन पे दिन भयावह होती जा रही है। अब तक भारत में कुल 11 लाख से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो बीते दिन करीब 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केवल यूपी में पिछले 24 घंटे में 2250 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए सीएम आवास पर हुई बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती बरतने को निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे के काम में कोई भी लापरवाही न की जाए। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से संबंधित सभी सेवाओं और गतिविधियों को इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाए, मुख्य सचिव डीजी हेल्थ की तत्काल नियुक्ति करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरीज की स्थिति के अनुसार उसे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया SGPGI, KGMU और L1, L2 या L3 अस्पताल में भर्ती किया जाए। वहीं प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि यूपी में जल्द ही होम क्वारंटीन की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से स्वास्थ्य विभाग को इसकी SOP तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि लोक बंधु अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 200 की जाए। इसके अलावा सीएम ने सिविल अस्पताल, लोक बंधु, बलरामपुर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रभारी चिकित्सकों से स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी जगह पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में COVID-19 के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना करने की तैयारी की गई है। इस दौरान सीएम योगी के निर्देश पर कोरोना के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।